हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे हो और हम लोग भी ठीक है। तो आज मैं गई थी प्रांकी के स्कूल, मतलब बच्चों की छुट्टी थी, लेकिन पेरेंट्स को बुलाया था बिकॉज ऑफ टेस्ट की, जो अभी 1.5 महीना पहले ना टेस्ट हुए थे प्रांकी के। तो उसमें क्या था कि मतलब पेरेंट्स को उनकी नोटबुक दिखाने के लिए कि किस तरीके से बच्चों ने किया है। तो हम मैं गई थी मतलब, और बाकी टीचर्स से भी मिले थे क्योंकि, तो वहां पे मतलब बाकी की टीचर्स से भी मिले क्योंकि रोज में नहीं मिलना होता है, क्योंकि छुट्टी के टाइम थोड़ा जल्दी भी रहती है, और वैसे जब भी मिलना होता है तो छुट्टी के टाइम पे मिलना होता है, थोड़ी बहुत जो पूछना होता है या फिर पेरेंट्स मीटिंग होती है तब पूछ लेते हैं बच्चों के बारे में कि क्या कैसे, मतलब कैसी परफॉर्मेंस है उनकी, क्या नहीं है। तो इसलिए नोटबुक दिखाई। अब 2 साल के बाद ना, अब जाके स्कूल में टेस्ट हुए थे तो परफॉर्मेंस ठीक थी, ऐसा नहीं है कि जो एग्जाम्स था, टेस्ट था मतलब, उसमें 20/20 है, 20/19 भी है, ठीक है। लेकिन थोड़ा ना सिर्फ मराठी में थोड़ी सी दिक्कत है, हिंदी में भी चलो ठीक है, लगभग सेम ही नंबर है, मतलब किसी में 19 है, किसी में 20/20 है, लेकिन थोड़ा मराठी में थोड़ा सा गड़बड़ी है, थोड़ा टीचर्स भी चेंज हो जाती है तो थोड़ा हो जाता है। हाँ बेटा, इधर हो जाओ। पांकी दीदी अंदर है, बाहर वाले रूम में, ठीक है। आप कौन खा लो? नहीं, इशी। ओके, तो सही थी परफॉर्मेंस, सही है। टीचर्स से भी हम लोग मिलकर आए, बल्कि आज तो प्रिंसिपल मैम से भी मिले थे, क्योंकि जो मतलब इशू होता है थोड़ा सा तो मिल लेना ठीक रहता है, मतलब डाउट क्लियर हो जाते हैं, वरना तो थोड़ी सी दिक्कत पड़ती है। एक तो क्या होता है ना कि जब सुबह में थोड़ा जल्दी जाना रहता है ना, तो मैं क्रियांश को तो लेके नहीं गई थी क्योंकि ये फिर इतनी देर रुकता भी नहीं है, और फिर क्या है ना कि हर मतलब 2-3 मैम से भी मिलकर आए थे कि ईवीएस की कौन सी मैम है ये सब, क्योंकि अभी ना रिसेंटली चेंज हुई थी, तो इसलिए सबसे मिलना जरूरी था, मतलब पूछना जरूरी था कि कैसा बच्चा चलता है, मतलब रिस्पॉन्स करता है नहीं करता है या कुछ, जो भी मतलब बातें पूछनी होती है, मतलब वो सब पूछना होता है। तो पूरे स्कूल का राउंड लग गया था क्योंकि एक मैम उधर थी तो एक मैम इधर थी, क्योंकि क्या है हर मैम किसी ना किसी क्लास की क्लास टीचर तो होती ही है, तो सब एक साथ तो नहीं रह सकते कि मतलब स्टाफ रूम में जाके मिल लो सभी लोगों की, मतलब लगभग 8-9 क्लास तक की सभी के नोटबुक दिखाई गई थी, तो इसलिए हर टीचर बिजी भी थी, लेकिन बीच में हाँ मिलने की मतलब मिल सकते थे, उसकी कोई बाउंडेशन नहीं थी, लेकिन थोड़ा ना ढूंढना पड़ता है क्योंकि हर क्लास में अलग अलग है, तो टीचर्स अलग है, बच्चे मतलब क्लास टीचर्स अलग ही होती है, तो सब लोग अपने अपनी क्लास में बैठे हुए थे, बस कोई फर्स्ट फ्लोर पे है तो कोई थर्ड फ्लोर पे, तो कोई बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे है, उसमें थोड़ा टाइम लग गया था। और आज मतलब जैसे प्रांकी को क्या है फ्रूट्स, मतलब स्कूल में जैसे 2 लंच टाइम होते हैं, तो उसके लिए क्या है कि एक फ्रूट देना होता है और पराठा सब्जी या जो भी आप उसको लंच में दे रहे हो, एक लंच हो जाता है और एक फ्रूट हो जाता है, तो 2 लंच हो जाते हैं। तो जो लॉन्ग ब्रेक होता है उसमें वो लंच कर लेते हैं, और जो शॉर्ट ब्रेक होता है उसमें जो फ्रूट्स है या जो भी हल्का फुल्का सा आप देते हो, बिस्किट है या जो भी आप देना चाहते हो, तो वो चीज खा लेते हैं जो शॉर्ट ब्रेक होता है। तो इसलिए मैंने प्रांकी के लिए मंगाया था, ये मीशो से मंगाया था। मैं अभी इसके ना ओपन करके दिखाती हूँ कि क्या है। तो ये मैंने इस टाइप के बनानास मंगाए हैं, ये 4 पीसेस थे क्योंकि मैंने 2 ऑर्डर कर रही थी तो उसमें ना डिलीवरी चार्ज लग रहा था, तो डिलीवरी चार्ज भी 80 रुपीज 90 रुपीज इस तरीके से लग रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो ये तो काम आने वाली चीज है, अभी प्रांकी यूज करी है फिर क्रांच भी यूज करेगा इसको, स्कूल के लिए दही देते हैं, बनाना या फ्रूट्स कोई भी देते हैं, तो बनाना के लिए, बनाना देने के लिए ये बनाना केस है तो बहुत अच्छा है। इसको यहाँ ओपन किया है मैंने ये,
और ये खराब नहीं होगा, मतलब इसमें बनाना रख के खराब नहीं होगा, क्योंकि इसमें ये होल दिए हुए हैं तो उसमें से ना हवा भी थोड़ा पास होती रहेगी इसमें, मतलब बाहर की हवा, मतलब हवा लगेगी इसमें, तो इसलिए ये बनाना इसमें पैक करके खराब नहीं होगा। और ये मुझे, मैं बहुत दिन से सोच रही थी मंगाने की, इसको ऑर्डर करने के लिए मीशो से ऑर्डर किया है ये मैंने, और इसको पहले मैंने और उसमें भी मतलब और जो एप्स हैं उसमें भी देखा था मैंने, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो मीशो से ही मंगाया जाए, और इसलिए फिर मैंने 4 का सेट मंगाया है। 4 बनाना केस हैं ये, इसमें अपरा की आराम से बनाना लेके जा सकती है, और ना ही ये दब जाए, दबेगा ना ही खराब होगा, आराम से बनाए, ओपन भी हो रहा है, ये आराम से ओपन होता है, और मतलब प्रांकी इसको ना आराम से ओपन बंद कर सकती है, ओपन और क्लोज कर सकती है। एक बार क्या हुआ था, हम लोग मतलब जब गोवा में थे तो गोवा से नहीं, हम लोग मतलब यूपी से गोवा आ रहे थे, तो हम लोगों ने क्या किया था कि एक पॉलिथीन में ना प्रांकी जब छोटी थी तो 1-2 बनाना रख लिया था कि मतलब रास्ते में खा लेगी विदाउट केस, ये केस नहीं था बैग में, क्योंकि मैं जो खाने का बैग होता है वो अलग ही रखती हूँ, और कपड़ों के साथ उसको नहीं रखती हूँ, खाने पीने का सब एक साथ रखना होता है, क्योंकि वो अपने हैंड बैग में ही रख लेती हूँ। लेकिन वो क्या हुआ, काफी ध्यान से रखा था, लेकिन उसमें ना और वो तो मैंने अच्छा किया था कि एक अलग पॉलिथीन में उसको पैक करके रखा था, जिससे कि मतलब अगर खराब हो भी जाए तो दूसरी चीज से ना लगे, और बनाना उसकी कसम से मतलब इतना बेकार, इतना बिल्कुल पिस गया था। मैं आपको वीडियो या कोई फोटो नहीं दिखा सकती हूँ, क्योंकि 2-3-4 साल पुरानी बात हो गई, मुझे अचानक से याद आई तो मैं बताने लगी, तो इसलिए मैंने ये, और उसमें इतनी स्मेल आने लगी ना, तो फिर वो हम लोगों ने मतलब रास्ते में हमें डस्टबिन में फेंकना ही पड़ा, क्योंकि वो खाने लायक भी नहीं रहे थे, और बैग में और स्मेल आने लगी थी, क्योंकि बनाना में स्मेल एकदम से आ ही जाती है, को दब जाएगा तो एकदम पिस जाएगा, तो मैंने सोचा इसलिए एक बनाना केस मंगा लिया जाए, जो कि बाद में क्रियांश भी लेगा, अभी प्रांकी एक बनाना लेके जाएगी, क्रियांश का भी ना नेक्स्ट ईयर में एडमिशन हो जाएगा, तो वो भी बनाना लेके जा सकता है। बनाना लेके जाओगे? नहीं। आ? नहीं? नहीं। आप स्कूल तो जाओगे? नहीं, नहीं जाओगे? नहीं। और आपको मैम डांटेगी तो नहीं? नहीं। क्या करोगे आप? दोबारा से आ जाओगे? हाँ। और मैम आपको मारेगी तो नहीं? नहीं। तो आप क्या करोगे अगर मारेंगे तो? दोबारा से आ जाओगे? हाँ। और मैम ने आपको मारा तो? अभी अभी आ। अभी आ जाओगे? और मैम ने आपको डांटा तो? हाँ। तो फिर क्या करोगे? हम्म, क्या करोगे बताना? कद्दू फेंक। अच्छा, शरीर बनाना फेंक दोगे? अच्छा, फोन भी फेंक दोगे? हाँ। फोन लेके जाओगे क्या स्कूल में? फोन अच्छा, नदी बोए हो गए हो तुम? हम्म, चलो हटो। तो ये है इनकी बातें, वरना ये क्या कहता है कि अगर इससे पूछते हैं ना कि मैम अगर आपको डांटेगी तो क्या करोगे, तो बोलता है प्यार कर देगा। प्यार कर देगा मैम को, उनके हाथ तेरे प्यार तो मान जाएंगी। ऐसी ऐसी बातें करता है, कभी मतलब वीडियोस में कम आता है, कभी इसके मन है, तो आजकल पता नहीं क्यों अपना आप कहने लगता है मम्मा वीडियो वीडियो वीडियो। तो मैंने इसके लिए ये बनाना स्पेशली मंगाए है, बनाना केसेस, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप इफ यू वॉन्ट तो आप इसको बाय कर सकते हैं मीशो से। मैंने मीशो से बाय किया था, और बहुत ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है ये, मुझे 274 कुछ ऐसे ही पड़ा है, तो और बनाना भी 4 केस बनाना काफी बड़े भी है, इतना मतलब काफी हैवी लुक है इनका, प्लास्टिक भी ठीक है इनका, ऐसा नहीं है कि बेकार प्लास्टिक है।